हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक एट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ नासिक के कुछ पॉपुलर स्ट्रीट फूड जॉइंट्स। कुछ प्लेसेस जो मैं कवर करना चाहती थी वो बस इवनिंग को खुलते हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इवनिंग का स्लॉट नहीं था, सो मैं जितना कवर कर पाई हूँ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आप लोग को पसंद आए और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने हमारे स्ट्रीट फूड जर्नी को स्टार्ट किया है समर्थ जूस सेंटर से। यहाँ पे आपको पार्किंग की थोड़ी इश्यू हो सकती है लेकिन आफ्टरनून का टाइम था तो हमें इजीली मिल गया था। तो हमने यहाँ का मोस्ट पॉपुलर पाइनएप्पल आइसक्रीम शरबत मंगा लिया है। इसकी प्राइस है, मैं आपको स्क्रीन में डिस्प्ले करके दिखा दूंगी। और इनका पार्सल का जो कंटेनर है वो काफी अच्छा है, मतलब स्टर्डी है, पर से आइसक्रीम दिखाई दे रहा है। लेट्स ट्राई। वाह, सो गुड आइसक्रीम। आइसक्रीम भी काफी अच्छी है, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड आइसक्रीम है। एक बार मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हल्का सा पाइनएप्पल के पीसेस, मतलब नॉट एग्जैक्टली द बिग पीस, मतलब थोड़ा सा ग्रेटेड पीसेस भी फील हो रहा है। छोटे छोटे पीसेस फील हो रहा है। सो टेस्टी। इतनी गर्मी में इतना बढ़िया सा आइसक्रीम शरबत पी रहे हम लोग, बहुत मजा आ गया। दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई, मुझे बहुत पसंद आ गया। कैसा है? बढ़िया, रिफ्रेशिंग ना, ग्रेटेड पीस ना। हाँ, ग्रेटेड पीस बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। यम्मी है। नेक्स्ट प्लेस ऑन आर लिस्ट इज कृष्णा वड़ा पाव। सारे प्लेसेस का एग्जैक्ट लोकेशन एंड एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो यहाँ आना। तो आर वड़ा पाव इज हियर, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं वड़ा पाव और ये हमने लिया है एक पॉपुलर शॉप से जिसका नाम है कृष्णा वड़ा पाव। सो ये रहा वड़ा पाव, दिस इज देयर वड़ा, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। और ये पाव दिया है और ये इन्होंने दिया है एक चिल्ली की चटनी। तो लेट्स ट्राई। तो पहले पाव को इस तरीके से ओपन कर देते हैं और सेंटर में रख देंगे हम लोग ये गरम गरम वड़ा, पोटैटो वड़ा, और लेट्स ट्राई। बहुत ही सिंपल सी वड़ा पाव है एंड द फिलिंग इज वेरी फ्रेश। अच्छा ना, फ्रेश है ना, इट्स वेरी फ्रेश और अच्छा है। मम्मा, ये कैसा है? गया। इट्स रियली गुड। मम्मा, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी वो जो बढ़िया, थोड़ी सी वो जो पीनट वाली चटनी यूजली वड़ा पाव के साथ आती है वो भी अगर होती तो मजा आ जाता, बिकॉज मुझे पर्सनली वड़ा पाव के साथ वो वाली चटनी बड़ी अच्छी लगती है। बट अदरवाइज दिस वड़ा पाव इज सो गुड, डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई। नेक्स्ट प्लेस जो हम आए हैं इसका नाम है सयन तारा और ये जो प्लेस है साबूदाना वड़ा के लिए एक्सट्रीमली पॉपुलर है नासिक में। एक प्लेट साबूदाना वड़ा। हम लोग आफ्टरनून के टाइम पे आए हैं तब इतनी भीड़ थी यहाँ पर। जस्ट इमेजिन अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में आते हो तो क्या हाल होता होगा। यहाँ पे बस साबूदाने बनते जा रहे हैं एक साइड से और दूसरे साइड से सेल होते जा रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ का साबूदाना वड़ा कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो मैंने भी काफ़ी सुना था इस प्लेस के बारे में, सो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई।
फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद साबुदाना वड़ा इज हियर। वहाँ का जो एरिया है वो एकदम मार्केट एरिया है और आप अगर कार लेके जाओगे ना तो आप स्टक हो जाओगे। यू कैन स्टिल मैनेज बट देन थोड़ा बहुत ट्रबल हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप बाइक लेके जा सकते हो या फिर ऑटो कर सकते हो। आफ्टरनून का टाइम है फिर भी बहुत सारे लोग साबुदाना वड़ा ट्राई कर रहे थे वहाँ पे। सो फाइनली साबुदाना वड़ा ट्राई करते हैं। इसको सर्व किया है पीनट ग्रीन चिली चटनी के साथ। बाहर से हल्का सा क्रंच है और अंदर से काफी सॉफ्ट है एंड पीनट चटनी के साथ सर्व किया इसको। इतना स्ट्रगल करने के बाद हम लोग खा रहे हैं, एटलीस्ट इट्स वर्थ इट। सो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। मुझे पर्सनली साबुदाना वड़ा बहुत पसंद आता है तो दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट प्लेस ऑन आर लिस्ट इज साधना चूली वर्ची मिसल। और ये प्लेस एक रेस्टोरेंट है बट मैंने सोचा कि स्ट्रीट फूड में भी इसे इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और स्ट्रीट फूड में भी डेफिनेटली इसे काउंट किया जा सकता है। लेकिन मैंने इस प्लेस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है तो आप उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। तो मिसल पाव ऑर्डर करने में आपको मिल जाता है दो बड़े बड़े साइज के पाव। लुक एट द पाव हाउ बिग इट इज। थोड़ा सा कर्ड मिल जाता है और आपको मिल जाएगा मिसल जिसमें स्प्राउट्स, दो डिफरेंट टाइप के सेव एंड ऑल दोस ग्रेवी वगैरह रहेगी। और साइड में आपको एक्स्ट्रा ग्रेवी भी मिल जाती है। तो एक साइड में है स्पाइसी वाली ग्रेवी और दूसरे साइड में लेस स्पाइसी वाली है। तो आपको जैसा मिक्स करना हो वैसा आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। मिसल पाव के साथ आपको एक पापड़ भी मिल जाएगा एंड सम लेमन और चॉप्ड अनियन भी साइड में सर्व की जाती है। सो इतना कुछ मिल जाता है आपके मिसल पाव के साथ। एंड यहाँ की जो मिसल पाव है मैं लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊँगी। दिल से बता रही हूँ कि इतना टेस्टी मिसल पाव मैंने शायद ही कभी खाया है। यहाँ के स्टाफ ने जैसे ही हमारा मिसल पाव का प्लेट हमारे टेबल पर रखा था तब जो खुशबू आई थी ना वो आई कैन नेवर फॉरगेट। अगर आप नासिक आते हो और अगर आप एक ही डिश ट्राई कर सकते हो देन इट हैज़ टू बी मिसल पाव। और डेफिनेटली ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ से हमने जलेबी भी ट्राई की। अनलाइक द रेगुलर जलेबी जिसको शुगर सिरप में डिप किया जाता है, इसको डिप किया है जैगरी सिरप में। और आपको डेफिनेटली वो जो टेस्ट में फ़र्क है वो फील होगा और काफ़ी जूसी एंड क्रिस्पी था, बहुत मज़ा आ गया था। हमने यहाँ के मील को एंड किया सोल कड़ी से। दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग और मुझे सोल कड़ी पर्सनली बहुत पसंद है और यहाँ की सोल कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया और अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और नीचे एक छोटा सा कॉमेंट भी लिख दीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे काफ़ी सारे जगह थे नासिक में जो मैं ट्राई करना चाहती थी लेकिन टाइम की कमी के कारण नहीं ट्राई कर पाई। तो आई होप कि फ्यूचर में हम नासिक जाएंगे तो एक पार्ट 2 भी बना लेंगे। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।